नमस्कार दर्शक बंधु, मु समस्त को आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मु डॉक्टर ललाटेन्दु महाराणा, कर्कट रोग विशेषज्ञ, वर्तमान सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे कार्यरत। आज आम बृहदंत्र और मलद्वार, बृहदंत्र और मलाशय कर्कट रोग विषय आलोचना करिबा। तो कैंसर बा कर्कट रोग ना सुनिले ही लोक मान हृदय गोटे भयर वातावरण सृष्टि हुए। तो अनेक लोक धारणा जे कैंसर रोग ही कैंसर रोग मृत्यु एक प्रतिशब्द, आई रोग हेले मृत्यु अनिवार्य। किंतु प्रकृत रे ए कथा सत्य ठारु अनेक दूर रे। आज समय रे अनेक कैंसर रो आरोग्य करा जाई पारुची जदि उपयुक्त समय रे चिकित्सा दिया जीव, आउ शीघ्र चिकित्सा दिया जीव, तो बहुत गुड़े कैंसर रो चिकित्सा सठिक रूपे करा जाई पारुची। वास्तवता है जे जनसाधारण मध्य रे ई रोग विषय रे रोग विषय रो ज्ञान बहुत कम, आउ एही रोग संपर्क रे अज्ञता आउ भ्रांत धारणा ही आम मन रे अनावश्यक आशंका सृष्टि करता है। तेणु कैंसर विषय सठिक ज्ञान लाभ करिबा आमर प्रथम आवश्यकता। एही परिप्रेक्ष्य रे आज आम आलोचना करिबा कोलोरेक्टल कैंसर बा बृहदंत्र और मलाशय कर्कट रोग विषय। तो मु मोर स्लाइड शेयर करूची। कोलन आउ रेक्टम हेउची आम अंतनाळी रो सबुठारु अंतिम भाग, आउ एही जगह रे थिबा ग्रंथि मानंकर कोशिका माने अभिवृद्धि घटी पॉलीप रो रूप नियंती, आउ एही पॉलीप माने समय क्रमे किछि वर्ष परे कैंसर रो रूप निए। तो एही परि भाबे कोलन आउ रेक्टम रे माने आम बृहतंत्र आउ मलाशय रे ग्रंथि रो अभिवृद्धि घटी पॉलीप गठन हुए, आउ पॉलीप किछि वर्ष परे धीरे धीरे कैंसर रो रूप निए। आउ या आजकाली एक अति साधारण रोग रे परिणत होईची, आउ एही रोग रो पीड़ितंक संख्या माने पीड़ितंक संख्या को दृष्टि को नेले या विश्व रे तृतीय सार्वजनिक कैंसर रे गणा जाउची, आउ मृत्यु हार दृष्टि रु या विश्व रे द्वितीय साधारण कैंसर रे गणा जाउची। आ आम देश रे मध्य एही स्थिति एही समान स्थिति देखिया को मिले, आउ एवं पुरुष मानक क्षेत्र रे या चतुर्थ सर्वाधिक कैंसर रहितिला बेले महिला मानक क्षेत्र रे या तृतीय सर्वाधिक देखा जाउथवा कैंसर आम देश रे। किंतु हमको जानि रखियो कहब जे दिस इज प्रिवेंटेबल एंड दिस इज क्यूरेबल। एटा को प्रिवेंट करि हेबो आउ एटा को चिकित्सा करके क्योर भी करी हो। किंतु एथिपाई सौला रोग निर्णय उपयुक्त चिकित्सा करिबा दरकार। आउ सौला रोग निर्णय आउ उपयुक्त चिकित्सा माध्यम रे एही रोगर मृत्यु हार को ऑलमोस्ट आधा कमे हो, ऑलमोस्ट 60% कम करी हो। तो एथिपाई लोकमानक भितरे सचेतनता सृष्टि करिया पई प्रतिवर्ष मार्च मास को जातीय कोलोरेक्टल कैंसर भावे पालित करा जाए। आउ तो मार्च मास रे आमे लोक मानन को ठी कोलोरेक्टल कैंसर भीतर सचेतनता सृष्टि करिया को चेष्टा करिबा, आउ कोलोरेक्टल कैंसर को आउ टिके भलो करी जानिया पई चेष्टा करिबा। तो कोन सब कारण हे पारे ए रोग डेवलप करिया पई, ए रोग हेबा पई कोन सब कारण रहि पारे। तो किसी कारण रही जो कारण को आम बदल पार्टी माने एज ओल्ड एज ओल्ड एज हूँ गोटे रिस्क फैमिलियल हिस्ट्री। फैमिलियल हिस्ट्री माने जदि गोटे फैमिली रे आपणकर प्राइम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स माने बापा माँ कि भाई भौणी कहाँ को कोलन कैंसर बा रेक्टल कैंसर है, तो
से फैमिली रे अलग लोक मानू कोलोरेक्टल कैंसर हबार संभावना अधिक आउ कि रेडिएशन एक्सपोजर जोटा आम बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सपोजर रोच कि जो लोक मान इनफ्लामेटरी बाउल डिजीज अच्छी आईबीडी अच्छी से कोलोरेक्टल कैंसर हबार संभावना अधिक कि जो लोक मैंने ऑलरेडी पॉलीप रे डायग्नोसिस मानते डायग्नोसिस कराई कि कोलन ऑलरेडी पॉलीप अच्छे तो से कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप कर संभावना अधिक रिस्क अधिक आ रिस्क फैक्टर को बदल हमें कितु आउ कि रिस्क फैक्टर अच्छी जो रिस्क फैक्टर को आम बदल पारा रिस्क को कम कर कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप कर रिस्क को आम कम करमती फिजिकल एक्टिविटी मैंने डेली व्यायाम आउ डेली योगा करवा निजक फिट रखा ओबेसिटी हूँ आउ गए रिस्क फैक्टर ओबेसिटी रिस्क फैक्टर मोटापा हूँ गोटे रिस्क फैक्टर तेणु आम जदि निजक परिश्रम करम करजक सुस्थ रखिपर निजक हेल्दी रखिपर तो आम कोलोरेक्टल कैंसर रिस्क को कम कर छड़ा आमको स्मोकिंग आउ आल्कोहल ए दुटा भी हूँ आउ गए रिस्क फैक्टर कोलोरेक्टल कैंसर पर तो स्मोकिंग आउ आल्कोहल जदि आल्कोहल को कम कर स्मोकिंग को संपूर्ण रूप बंद करोलोरेक्टल कैंसर डेवलप कर रिस्क को कम कर छड़ा आउ गए रिस्क फैक्टर हूँ डाएट तो डाएट जदि आम रेड मीट मान लोहित मंस आउ प्रोसेस मीट मान मान कि चलते हटडग फास्ट फुड जो प्रोसेस मीट जो अच्छे से गुडा भी गोटे रिस्क फैक्टर कोलन कैंसर डेवलप करने तो यही खाद्य को डाइट रू कम कर बंद कर कोलोरेक्टल कैंसर रिस्क को कम कर कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप कर तो आम कौन साइन थी कौन कौन सिम्टम थी आम भाविबा कि जन को कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप कर संभावना अच्छी से लोक कोलोर कैंसर डेवलप करें तेणु आमको डाक्टर परामर्श ना पड़ो मैंने जदि जड़े लोक झाड़ रक्त देखुच ब्लड इन स्टूल तो आम भाविपर कि से लोकटी कोलोर कैंसर हमारे संभावना अच्छी तो डाक्टर परामर्श नहीं जापे नेवा जावा कथा छाड़ा चेंज इन बाउल हैबिट चेंज इन बाउल हैबिट मानी जदि किसी दिन है जन को कॉन्स्टिपेशन हो आगु ठीक ठीक झाड़ा होता बर्तमान किसी दिन है कन्स्टिपेशन हो बर्तमान किसी दिन है डायरिया हो बहुत जोर झाड़ा हो बर्तमान किसी दिन कन्स्टिपेशन किसी दिन डायरिया किसी दिन कन्स्टिपेशन किसी दिन डायरिया एमती हूँ तो चेंज इन बायल हैबिट अच्छी तो आम भाविपर कि लोक को कोलोरेक्टल कैंसर हमारे संभावना अच्छी तो तुरंत डाक्तर परामर्श निजा कथा किंबा जदि जनकटी लो हिमोग्लोबिन रोच सेता पड़ जाऊँच हिमोग्लोबिन चेक कला बेलू को हिमोग्लोबिन कम आसवा लॉस ऑफ वेट किसी कारण न था ओजन कम होता भी गोटे लक्षण कोलोरेक्टल कैंसर थवर कहीं ब्लीडिंग धीरे धीरे रक्त कम हो गला तो से हिमोग्लोबिन कम हो ब्लीडिंग अधिक चलती तो शरीर ओजन भी कम हो चलती तो सहीटा गोटे लक्षण आम कोलोरेक्टल कैंसर तेणु से रोगी सेमती लोक डाक्तर परामर्श नेबा कथा ता छड़ा एब्डोमिनल पेन जदि बहुत समय जाए एब्डोमिनल पेन रोची जोटा डायग्नोज हो पड़नी जना पड़ पड़नी जाऊनी चिकित्सा द्वारा कम हो से रोगी को मध्य डाक्तर परामर्श नवा कथा ऑन्कोलॉजिस्ट परामर्श नवा कथा से कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप होता संभावना अच्छी तो आम ये सब जिन डिस्कशन कर सारे चेंज इन बाउल हैबिट जब डायरिया कॉन्स्टिपेशन होबा डायरिया फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन तो ताहले मध्य कोलोरेक्टल कैंसर थिबार संभावना अच्छी वेट लॉस होइछि माने तार जार कारण ना तो सेटा भी से लोग डाक्तर ऑन्कोलॉजिस्ट परामर्श नवा कथा आउ फटिग मानते जल्दी थकिया थकी जाऊँगी हालिया कम कर पा ना भोक हो तो अनिमिया शरीर रक्त कम हो जाऊँगी सेता पड़ जाऊँगी आखि पूरा धड़ाधड़ा देखा जाऊँगी हाथ पूरा धड़ाधड़ा देखा जाऊँगी से क्षेत्र में तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट परामर्श नवा कथा आमको कोलोरेक्टल कैंसर पर स्क्रीनिंग करवा कथा डायग्नोसिस टेस्ट करवा कथा तो स्क्रीनिंग केमती करवा स्क्रीनिंग किसी नॉन इनवेसिव मेथड्स अच्छी किसी इनवेसिव मेथड्स नॉन इनवेसिव मेथड मैं झाड़े रक्त परीक्षा कर फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जो फिट टेस्ट गया फिकल लोकल ब्लड टेस्ट जो झाड़े रक्त परीक्षा करा नॉन इनवेसिव ता छड़ा
ଇନଭାସିଭ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମାନେ କୋଲୋନୋସ୍କୋପି। କୋଲୋନୋସ୍କୋପି ମାନେ ଆମର ମଳଦ୍ୱାର ବଟେ ଗୋଟେ ନଳି ପୁରାଯିବ, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ପୁରାଯିବ, ଯାହା ଆଗରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ତ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା କୋଲନର ପରୀକ୍ଷା, ପୁରା କୋଲନକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ, ତ କୋଲନକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି କୋଲନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାଗା ଦିଶୁଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ତାର ବାୟୋପ୍ସି କରିପାରିବା, ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କି ସେ ରୋଗୀ କୋଲନ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନିଂ କୋଲୋନୋସ୍କୋପି, ମାନେ ମଳଦ୍ୱାରମ ପଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ପୁରା ଗଲା, କୋଲୋନୋସ୍କୋପି ପୁରା ଗଲା, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରା ଆମର ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମାନେ କଲନ ଆଉ ରେକ୍ଟମ ମାନେ ଆମର ମଳାଶୟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛେ ଆମେ, ଆମେ ପୁରା ପରଖୁଛେ ତାକୁ, ଦେଖୁଛେ ସେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ କି ତା ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାଗା ଅଛି କି କ'ଣ, ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାଗା ଅଛି ତ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ବାୟୋପ୍ସି ପରୀକ୍ଷା, ମାଂସ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସେମିତି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସରେ ଉପନୀତ ହବା କି ଲୋକଟି କୋଲନ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ କି ନାହିଁ। ତ ହୁ ସୁଡ୍ ବି ସ୍କ୍ରିନ, କୋଉ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା କଥା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ମାନେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କୋଉ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନା ଆମର ଯୋଉ ACS ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ଆଭରେଜ ରିସ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ହାଇ ରିସ୍କ। ତ ଆଭରେଜ ରିସ୍କ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଲନରେ କିଛି ଆଗରୁ ପଲିପ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇନି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କାହାକୁ କୋଲନ କି ରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେବା ଆଭରେଜ ରିସ୍କ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା କଥା ନା ମିନିମମ 45 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା, ଏମିତି ଆଭରେଜ ରିସ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ, ଆଭରେଜ ରିସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କୋଲନ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୋଲନ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଭଲପ ହେବାର ରିସ୍କ ବି କମ୍ ଅଛି ସେ ଲୋକଙ୍କଠି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଭରେଜ ରିସ୍କ କହିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠିକ ବି ଆମେ 45 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଲନ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେମିତି ଯଦି ବି ଡେଭଲପ ହଉଛେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହଉ ଆଉ ତାର ସଠିକ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁ। ଆଉ ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଇନକ୍ରିଜ ରିସ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହାୟର ରିସ୍କ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହାୟର ରିସ୍କ ପେସେଣ୍ଟ କୋଉ ମାନେ ହାୟର ରିସ୍କ ଫର ସ୍କ୍ରିନିଂ କୋଉ ମାନେ ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାପା ମା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ଆଗରୁ ସେମାନେ ପୀଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେମାନେ ହାଇ ରିସ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ। ଆଉ 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 କ'ଣ ଯୋଉମାନେ IBD ମାନେ ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ବାୱେଲ ଡିଜିଜ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ କୋଲନରେ ପଲିପ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପଲିପ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କି ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାର କୋଷିକା ଗୁଡା ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଛୋଟ ପଲିପ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ପଲିପର ରୂପ ନବ, ସେଗୁଡା ପେନାଇନ ସେଗୁଡା ମାଲିଗନାଣ୍ଟ ନୁହଁ ମାନେ ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ରୂପ ନେଇନି କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଜର କୋଲନରେ ପଲିପ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ IBD ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ବାଉଲ ଡିଜିଜ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ କିଏ ଜଣେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇ ରିସ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା କଥା ମିନିମମ 40 ବର୍ଷ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ବୟସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ଯେତେ ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲେଟିଭଙ୍କର ତାଠୁ ମିନିମମ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା। ମାନେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବାପା ବାପାଙ୍କୁ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଥିଲା 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ସେମାନେ ମିନିମମ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ଠାରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ସାଇନ ନଥାଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥାଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ମିନିମମ ଆମକୁ 35 ବର୍ଷ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ କେହି କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ 40 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ। ତ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ, ସ୍କ୍ରିନ ଆମେ ଜଣ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ତାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ, ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ସେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବେଳେ ରୋଗ ଗୋଟିଏ କେବଳ କୋଲନ ବା କେବଳ ରେକ୍ଟମ୍ରେ ସୀମିତ
से क्षेत्र में चिकित्सा हूँ सर्जरी आउ केमोथेरापी मैं कोलन कैंसर हूँ सर्जरी तापर केमोथेरापी मैं रोग पुणी फेर संभावना को कम करने केमोथेरापी जोटा को आर्जुमन केमोथेरापी कहे आउ रेक्टल कैंसर हूँ जो जदि रोग सीमित अच्छे केमोथेरापी आउ रेडिएशन तापर सर्जरी मैं तीन टा बहुत सर्जरी केमोथेरापी आउ रेडिएशन हूँ चिकित्सा करें गोटे जगह सीमित अच्छे रोग किंतु से रोग लोक मैंने जो मैंने मैंने आम कही रखा कथा कि ये मानने 30% पाखापाखि 30% लोक जिते बड़े आम पाखक आसती से मानकर रोग गोटे जगह सीमित नए सीमित नए मैंने रोग अलग जगह को व्यापी था मैंने कोलन आउ रेक्टम मान बृहतंत्र मलाशय सीमित न था रोग रोग अलग जगह को व्यापी था तो से क्षेत्र में आम इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट मान चिकित्सार लक्ष्य आउ रोगी को क्योर करवा संभव हुए नहीं बहुत समय तो से क्षेत्र में आमको कौन कराए आम मान आम रोग को कंट्रोल करने चिकित्सा करूँ रोग को कंट्रोल करने मान तो से समय बहुत समय सर्जरी पसिबुल हुए नहीं मेटास्टेटिक डिजीज रे मैंने मेटास्टेटिक मैंने रोग तो अलग जगह जाए कि लिमिटेड मेटास्टेसिस रे किसी समय सर्जरी पसिबुल हुए कि बहुत समय देखा जाए कि जो रोग अलग जगह जाए सर्जरी संभव हुए नहीं तो से क्षेत्र में केवल केमोथेरापी और टार्गेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी व्यवस्था थाए रोग को कंट्रोल करने तो आम कोलोरेक्टल कैंसर को प्रिवेंट केमी कर तो गोटे लोक को कोलोरेक्टल कैंसर डेभलप हबारु केमी बचेगा तो आम जानले गोटे रिस्क फैक्टर है आमर डाएट रिच इन रेडमिट तो आमको से आमको आम खाद्य रू आम डाएट रू संपूर्ण रूप बहुत परिमाण कम करा पड़ आमको बहुत सारा वेजिटेबल्स आवाक पड़ो वेजिटेबल्स होल ग्रेन फ्रुट्स मैंने जो थे अधिक तंतुजात खाद्य आम कहीपर तंतुजात खाद्य अधिक जब खाइबा तो आम रिस्क को कम करोलोरेक्टल कैंसर डेभलप कर रिस्क को आम कम कर सहित तो जदि आम किए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मानने बापा माँ कि भाई भौणी किए कोलोरेक्टल कैंसर में पीड़ित तो आमको बहुत इंटेनसीव इवाल्युएसन करा पड़ा स्क्रीनिंग मानने इंटेनसीव स्क्रीनिंग इंटेनसीव इवाल्युएसन आमको करा पड़ो जदि आम किए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अच्छा कोलन कैंसर में पीड़ित तो ता छड़ा आमको गोटे मैं आम जो लाइफ स्टाइल पर जीवन शैली परिवर्तन आने पड़ो गोटे हेल्दी लाइफ स्टाइल बचा पड़ो नियमित व्यायाम नियमित आमको ता छड़ा व्यायाम आउ योगा करके जो फिट रहा पड़ो आमको वेट इज वेट उपर कंट्रोल आने पड़ो ओबेसिटी गोटे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर कोलोरेक्टल कैंसर डेवलपमेंट पे तो आमको वेट रे कंट्रोल आने पड़ो आउट हेल्दी लाइफ स्टाइल बचा पड़ो ता छड़ा मद आउ स्मोकिंग माने सिगरेट बीड़ी टू मादक द्रव्य टू आम निजी जिते परिमाण में पसिबुल आमको निजक बचे रखा दूर रखा पड़ो मैंने सिगरेट आउ बीड़ी टू तो संपूर्ण रूपे आमको दूर रहा पड़ो कैंसर संभावना कैंसर रिस्क फैक्टर को कम करने तेणु आमको शेष कह कि कोलोरेक्टल कैंसर हूँ गोटे कॉमन कैंसर रो रूप नहीं चाहिए आजिकल किंतु दिस इज प्रिवेंटेबल एंड दिस इज ट्रीटेबल माने एटा को प्रिवेंट भी करि हबो आउ एटा को क्योर भी करि हबो आउ सेति पई हमकु विगरस स्क्रीनिंग माने जो माने कटी रिस्क फैक्टर अधिक रिस्क कोलन कैंसर डेवलप करिवार रिस्क अधिक से माने कटी हमकु स्क्रीनिंग करिया को पड़िबो विगरस स्क्रीनिंग करिया को पड़िबो ता छोडा गोटे हेल्दी लाइफस्टाइल बजे पड़िबो डाएट रिच इन फाइबर मैंने अधिक तंतुजात खाद्य खायाक पड़ो आदि डायग्नोसीस होचे तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट का परामर्श नहीं कि रोग चिकित्सा करा पड़ो कहीं अलमोस्ट 60% लोक डेथ को प्रिवेंट करी स्क्रीनिंग आनली ट्रिटमेंट चिकित्सा जल्दी चिकित्सा करवाद।